अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, क्योंकि ईद के बाद शादी ब्याह का जो फंक्शंस होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने इस लिहाज से ये वीडियो तैयार की है ताकि आपको शादी ब्याह के लिए किसी भी किस्म की सूट की खरीदारी करते हुए परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि बाज़ औक़ात यही होता है कि हमें जो है अपने कलर के हिसाब से जो है वो कपड़ों का रंग चूज़ करना पड़ता है, तो हमें इस हिसाब से समझ नहीं आती कि कौन सा कलर जो है ट्रेंड में है और कौन सा सिलेक्ट किया जाए, कौन सा हमें खूबसूरत लगेगा। तो आप इन कलर को देखते हुए कोई भी सूट को सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये आपको दिए नहीं जा रहे बल्कि ये आपके आइडियाज़ के लिए हैं कि आप इनमें से किसी भी कलर को चूज़ करके जो है वो बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए आप देख सकते हैं कि इसके साथ आप शूज़ और खुस्सा और बैग वगैरह भी हैं, तो इस हिसाब से आप इनकी ख़रीदारी कर सकते हैं। और ये एक इमेजिनेशन भी होती है लड़की के दिमाग में कि मैं कैसी लगूँगी। वो इवन सूट को देखते ही बहुत सी जो है आइडियाज़ जो है अपने जहन में प्लान करना शुरू कर देती है, उसके जहन में एक तस्वीर बन जाती है कि वो कैसी लगेगी। तो लड़कियों के इस हिसाब से जो है वो क्रिएटिविटी जो है वो बहुत अच्छी होती है, तो वो इन चीज़ को देखते हुए भी कुछ भी सिलेक्ट कर सकती हैं। और शादी ब्याह के मौके पर अमूमन जो है स्किन कलर का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और आजकल तो वाइट भी जो है वो बेहद खूबसूरत लगता है और लड़कियां इस चीज़ को बहुत पसंद करती हैं। वाइट में अमूमन जो निकाह के मौके पर जो दुल्हने जो पहनती हैं तो वो तो बहुत खूबसूरत लगता है, उन पर बेहद जचता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही आइडियाज़ अगर आपको चाहिए तो फिर आपको बेल के आइकन पर भी प्रेस करना होगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द पहुंचे आप तक डेली, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। इन कलर कम्बिनेशंस को देखते हुए जो है आप इनकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस हिसाब से तैयार भी होना पड़ेगा। अमूमन जो है ज़्यादातर आपको पेस्ट्री नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आपके सूट बहुत ज़्यादा हैवी है तो आपको लाइट मेकअप करना चाहिए। तो इस ट्रिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।